तो अमरवाड़ा उपचुनाव आज है, 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है मुख्य मुकाबला। बीजेपी ने यहां से कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से धीरेन्द्र शाह है। कमलेश शाह के बीजेपी में जाने से ये सीट खाली हुई थी। तो मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में उपचुनाव है आज, और वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी। हमारे संवाददाता शाश्वत शर्मा लगातार हम तक ताज़ा तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले जब वो हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि हालांकि सुबह सुबह के वक्त उतनी संख्या में तो लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन वोटिंग करने के लिए लोग निकल रहे हैं। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, हल्की बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में लोगों की काफ़ी संख्या में लोगों के बाहर निकल कर आकर वोट देने की उम्मीद जताई जा रही है। और शाश्वत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शाश्वत, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, 8 बज चुके हैं अभी फिलहाल, वहां पर क्या ताज़ा तस्वीर है? क्या लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? काफ़ी अहम ये मुकाबला है और काफ़ी संख्या में यहां पर वोटर्स, ये कहा जा रहा है कि पिछली बार भी वोटिंग के लिए काफ़ी संख्या में लोग निकले थे, अभी फिलहाल वहां पर ताज़ा हालात क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अमरवाड़ा का आपको चुनावी जो कुछ काल है उसका बता दूं कि अमरवाड़ा में वोटिंग परसेंटेज होता है वो काफी हाई ही होता है हमेशा। और तकरीबन जब 7 बजे जब मैंने तस्वीरें दिखाई थी आपको, तो तकरीबन इक्का दुक्का लोग ही या आप ना के बराबर समझे तो अभी, लेकिन 8 बजे के बाद स्थिति कदरन थोड़ी सी बेहतर। अगर आप मेरे पीछे देखें तो तकरीबन आपको 3-4 लोग दिखेंगे, तो तकरीबन लोग अब घर से निकल रहे हैं ज्योति। और ये अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो आप देखेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के मतदान करेंगे। हालांकि अभी 8 बजे काफी जल्दी है, क्योंकि आज मौसम भी आप देखें कि बारिश होने की काफी काफी संभावना है, तो लोगों में कम से कम एक राहत की बात है कि धूप नहीं है। आप देखें लोकसभा चुनाव का जब प्रथम चरण था तो काफी गर्मी थी, तो गर्मी के कारण भी काफी मतदान प्रतिशत पे असर पड़ा था। आप देखें कि छिंदवाड़ा में 3% मतदान कम हुआ था तकरीबन, अगर हर विधानसभा में देखें तो तकरीबन हर जगह कमी थी, लेकिन अभी आप देखें कि थोड़ी थोड़ी संख्या में अब लोग निकलेंगे। और जैसे जैसे देखेंगे आप 9-10 बजे के बाद जब लोग थोड़े से अपने दिनचर्या के काम करके, आप देखेंगे कि मतदान प्रतिशत धीरे धीरे अमरवाड़ा में बढ़ेगा। अगर हम शाश्वत इस सीट के बारे में जानना है, किस तरीके का चुनावी समीकरण इस सीट पर बैठता है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। देखिए ज्योति, अमरवाड़ा की जो सीट है, यहाँ देखिए सबसे मतलब मध्य प्रदेश की चुनिंदा ऐसी सीट्स में से अमरवाड़ा को आप ले सकते हैं जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। जनरली देखें कि कांग्रेस और भाजपा, अगर आप विधानसभा में भी देखें और लोकसभा में भी देखें कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वो काफी असर डालती है। अगर आप देखें 2004 का जो चुनाव था, जो कमलनाथ और प्रहलाद पटेल के बीच हुआ था, उस समय जो मनमोहन शाह भट्टी जो कि अमरवाड़ा के विधायक थे, जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो तकरीबन 70,000 से 72,000 वोट मिले थे। और अभी 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखें तो देवरामन भलावी जो कि इस समय विधानसभा से उम्मीदवार हैं, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो 55,000 से 56,000 वोट देवरामन भलावी को छिंदवाड़ा लोकसभा से उनको मिले थे। तो ये बहुत काफी परसेंटेज में वोट होता है एक असर डालने के लिए। और देखें कि जो देवरामन भलावी थे उन्होंने कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट था उसको काफी नुकसान पहुंचाया। आप देखें कि इससे नकुल नाथ को काफी जो मार्जिन 1,16,000 जो नकुल नाथ की हार की हुई, इसमें बहुत बड़ा हाथ देवरावन भलावी का। देवरावन भलावी ने कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोटर जो आदिवासी हलके का अगर आप देखें तो काफी नुकसान पहुंचाया। और इसी के तहत ज्योति मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन भी करना चाहती थी। आप देखें कि टिकट जो अनाउंस हुआ कांग्रेस का इसी कारण लेट हुआ कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी जाए ताकि जो जाति समीकरण है वो अपने पक्ष में किया जा सके, क्योंकि देखिए अमरवाड़ा में जाति समीकरण बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन हालांकि कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच बात नहीं बनी, अब तीनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस ने भी फिर धार्मिक, क्योंकि कांग्रेस भी प्लान बी पे गई, तो क्योंकि कांग्रेस के भी कई जो नवीन मरकाम थे उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि लास्ट टाइम पर कांग्रेस ने उनका नाम कैंसिल करके जो सेवादार हैं अचल कुंड के उनको टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक तड़का लगाने की कांग्रेस ने कोशिश की है। देखिए राजनीतिक अमरवाड़ा का अगर आप देखें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन शाह भट्टी 2003 में यहाँ से विधायक रहे, 8 में यहाँ से विधायक रहे, तो एक बार वो विधायक रहे हैं, उनकी जो बेटी थी इसी को तहत बीजेपी ने पिछला विधानसभा चुनाव मोनिका भट्टी को लड़वाया था, ताकि क्योंकि गोंडवाना का जो एक वोट है वो हमेशा गोंडवाना के पास हमेशा रहता है। आप देखें 10 से 12% वोट उनके पास हमेशा रहते हैं, वो उससे आगे
ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गोंडवाना भी यहाँ पे एक फैक्टर है। तो देखिए त्रिकोणीय जो लड़ाई है उसमें गोंडवाना जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करती है। आप देखें कि इस समय जब आज वोट डालेंगे तो देखना पड़ेगा कि देव रावण भलावी ने किसके वोटों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मतलब उनको कितने वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को भी ये डर है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं उनके वोट को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि देखिए देव रावण भलावी जी ने लोकसभा में 55,000 वोट लिए थे। जब कांग्रेस की समीक्षा हुई तो अंदर खाने से जो बात निकल के सामने आई तो उसमें एक समीक्षा में एक पॉइंट ये भी निकल के आया कि देव रावण भलावी थे, उन्होंने कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट उनको काफी डैमेज किया और अपनी तरफ खींचा, जिससे कांग्रेस का वोट काफी कम हुआ और नकुलनाथ को एक काफी भारी हार का सामना करना पड़ा। जी ज्योति जी, शाश्वत आप नजर रखिएगा, तमाम जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे, ताजा अपडेट। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो धीरे धीरे लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है, पोलिंग बूथ्स पर लोग निकल रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी शाश्वत के जरिए। और अभी क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो ऐसे में काफ़ी संख्या में, और अमरवाड़ा सीट पर अक्सर हर बार ये देखा जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो अच्छा खासा होता है, तो इस बार भी वही उम्मीद है कि लोग काफ़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकलेंगे और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे कि किसके पक्ष में मतदाता जाते हैं, वोटर्स का भरोसा इस बार कौन जीतने में कामयाब रहता है। तेरह जुलाई को जो रिजल्ट है वो आएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा सीट आपको बता दें उस वक्त खाली हो गई थी जब जो कांग्रेस के विधायक हैं कमलेश शाह, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। इस्तीफा देने के बाद विधानसभा सचिवालय ने चुनाव आयोग को सीट को खाली होने की सूचना दी, जिसके बाद इस पर इलेक्शन फिर से हो रहे हैं चुनाव। अमरवाड़ा विधानसभा छिंदवाड़ा जो जिले का आदिवासी बाहुल्य इलाका है, अमरवाड़ा विधानसभा ये विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, तो यहाँ बीजेपी के कमलेश शाह के मुकाबले कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर दमखम रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी प्रत्याशी का ऐलान किया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देव रावण भलावी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो त्रिकोणीय मुकाबला है।